हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सांसदों और विधायकों का सम्मान करें। जो इन आदेशों की अधिकारी पालना नहीं करेगा, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार अपने एक अजीबोगरीब फैसले से एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, मौजूदा सरकार का एक और फैसला चर्चा का विषय बन रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सूबे के ब्यूरोक्रेट्स को ये आदेश दिया है कि जब भी कोई सांसद दौरे पर जाए तो बाबुओं को खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए, और अगर बाबुओं ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अधिकारियों की लापरवाही और उनकी ओर से होने वाली सांसदों की अनदेखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों से कहा गया है कि जब भी कोई सांसद आए तो अधिकारी उन्हें रिसीव करने जाएं और काम खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ने भी जाएं। अधिकारियों को सांसदों के लिए खास एहतियात बरतने की हिदायत इस सर्कुलर में जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जब कोई भी माननीय सांसद दौरे पे आए तो अधिकारियों को उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अगर सांसद अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं तो पहले से ही उनके लिए सभी तैयारियां हो जाए। 2011 में जारी की गई गाइडलाइन का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि कई सांसदों ने उनसे शिकायत की है जिसमें कहा गया है कि अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सरकार को ये सर्कुलर जारी करना पड़ा है। सरकार का ये भी कहना है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो माननीयों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका व्यवहार विनम्र नहीं है। सरकार का कहना है कि अधिकारियों का व्यवहार सभी के लिए विनम्र होना चाहिए, चाहे वो आम लोग हों या फिर सांसद। सरकार का ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों का व्यवहार गलत है उन्हें अच्छे व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि उन्हें कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें ये कहा गया है कि अधिकारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के फोन तक पिक नहीं करते हैं, जिस वजह से या तो माननीयों को परेशान होना पड़ता है और कई जरूरी काम लटक जाते हैं। जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अधिकारी विधायकों और सांसदों के फोन को नजरअंदाज तो बिल्कुल न करें बल्कि उनके फोन का तुरंत जवाब दें। यही नहीं, अधिकारियों को कहा गया है कि अगर उनके इलाके में कोई कार्यक्रम हो तो सांसद को उस कार्यक्रम में जरूर बुलाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी सांसद का निर्वाचन क्षेत्र दो जिलों में पड़ता हो तो अधिकारी सांसद को दोनों ही जिलों में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दें। अपने कार्यकाल के दौरान खट्टर सरकार के कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने एक आदेश दिया था कि राज्य में आने वाले खिलाड़ियों को विज्ञापन और प्रोफेशनल सपोर्ट के जरिए कमाई हुई रकम का 33% हिस्सा हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा करवाना होगा। सरकार का कहना था कि इसका इस्तेमाल राज्य में खेल के विकास पर खर्च होगा। इसके अलावा आदेश में कहा गया था कि खिलाड़ियों को जो नौकरी मिली है उसमें अब छुट्टी लेने पर भी उनका वेतन कटेगा। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा की खट्टर सरकार अपने कई फैसलों के कारण विवादों में बनी रही है। हाल ही में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे विवाद के बाद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था नमाज सार्वजनिक जगहों पे नहीं बल्कि मस्जिद या ईदगाह में ही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी खुले में जिमों में संघ की शाखा लगाने की परमिशन देने पर भी काफी बवाल मचा था। इससे पहले गाय गीता और गायत्री मंत्र के फैसले पर भी सरकार सुर्खियों में रह चुकी है।